आगामी दिनों में दुर्ग जिले में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने सभी वार्डों से अपने कैंडिडेट उतारने की योजना बनाई है और रणनीति अपना रहा है, जहां आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में जोश भरा गया। छत्तीसगढ़ में आने वाली नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी द्वारा कवायदें तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में दुर्ग जिले में आम आदमी पार्टी द्वारा एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। यहां प्रदेश से आए युवा नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रिचार्ज करने के साथ ही आने वाले चुनाव को देखते हुए प्रत्याशी चयन के लिए लोगों को टॉपिक दिए और उनसे सलाह मशवरा भी किया। इस बारे में जानकारी देते हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री तेजेंद्र तोयकर ने कहा कि जिस तरीके से अभी आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है और पूरे देश में दो जगह उनकी सरकार भी है, अगर छत्तीसगढ़ में भी उनकी सरकार बनती है तो उन राज्यों का मॉडल छत्तीसगढ़ में भी लाया जाएगा, क्योंकि दिल्ली और पंजाब के बाद अब दूसरे राज्यों में भी अच्छे से कार्य करना चाहती है। इसमें हमारे नगर निगम के चुनाव से संबंधित दुर्ग में टोटल 60 वार्ड हैं और हमारी तैयारी रहे कि हम लोग हर वार्ड में वार्ड के मुद्दों को गंभीरता से उठाते हुए उसके सॉल्यूशन पर बात करते हुए अपने प्रत्याशी खड़ा करेंगे। तो इसको लेकर के जो भी हमारे राज्य के पदाधिकारी आए हैं, पहले तो मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ और साथ ही अब हम सब साथियों की यह मिलकर यह जिम्मेदारी है कि वार्ड पे अच्छे से अच्छे पार्षद प्रत्याशी को न सिर्फ खड़ा करें बल्कि उसे हर तरह से सपोर्ट करके और हमारी महिला। इसका सफल मॉडल लोगों के सामने दो राज्यों का ही है। वहीं इस बार इस सम्मेलन में शिरकत कर रहे बीते चुनाव में दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के प्रत्याशी संजीत विश्वकर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी आने वाले चुनाव में पूरे 60 वार्डों में अकेले चुनाव लड़ेगी और महापौर पद का प्रत्याशी भी उतारेगी, जिसके लिए ये सम्मेलन आयोजित किया गया है और आने वाले दिनों में बैठकों का दौर भी लगातार जारी रहेगा, जिससे अच्छे से अच्छे प्रत्याशी का चयन किया जा सके और आम आदमी पार्टी ज्यादा से ज्यादा अपने प्रत्याशी जीत कर ला सके। दुर्ग शहर में आने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आज की बैठक है। इस बैठक में पूरे 60 वार्डों की स्थिति जानने एवं इसे मजबूत करने को लेकर आज की बैठक चुनाव प्रभारी द्वारा ली गई है। हमारे प्रदेश संगठन की ओर से राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश से जो यहाँ पे चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं उनकी पहली बैठक है और आज यहाँ पे कार्यकर्ताओं से एक प्रकार से परिचय भी है कि आपने चुनाव कैसे लड़ना है और आप कौन से लोग चुनाव लड़ने के। आम आदमी पार्टी का कोई गठबंधन नहीं होगा किसी भी चुनाव में। जैसा कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन था, ये लोगों के मन में भ्रम है कि आम आदमी पार्टी हमेशा गठबंधन में रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आम आदमी पार्टी स्वतंत्र चुनाव लड़ेगी, अपने सारे प्रत्याशी 60 वार्ड में उतारने का भरसक प्रयास है हमारे कि पूरे 60 वार्ड में हम अपने प्रत्याशी उतारें और मेयर भी हम अपना ही उतारें। देखिए, पूरे प्रदेश में नगर निगम का हाल आपको पता है, लगातार स्थानीय लोग छोटी छोटी समस्याओं के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आज भी लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए जो सफाई का मुद्दा है, चाहे नगर निगम में भ्रष्टाचार का मुद्दा है, ये लोगों के जीवन से ये मुद्दा जुड़ चुका है और ये मुद्दा जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक आम आदमी पार्टी आएगी नहीं, तब तक ये मुद्दा ख़त्म नहीं होने वाला है। क्योंकि ये सारे लोग, चाहे भाजपा की बात करूं चाहे कांग्रेस की बात करूं, अभी नगर निगम में छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम जगह में नगर निगम में कांग्रेस का कब्जा है और सरकार में रहते हुए भी कांग्रेस के लोग ना काम कर पाए। अभी तो अभी और अब स्थिति बदतर है क्योंकि सरकार यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भाजपा की है, नगर निगम में मैक्सिमम जगह कांग्रेस का कब्जा है। तो ये इनकी लड़ाई में जनता का काम नहीं होता। और बहुत सारे मुद्दे, कल दुर्ग का ही मुद्दा बता दूं कि नेशनल हाईवे में जानवर के कारण कितनी दुर्घटनाएं हो रही है। आम आदमी पार्टी भी इस मुद्दे को उठा रही है लगातार, भ्रष्टाचार के मुद्दे को भी उठा रही है और समय समय पर हम मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ में और हर नगर निगम में बीच में बने रहते हैं। तो आम आदमी पार्टी इस नगरीय निकाय चुनाव को पूरी ताकत से लड़ेगी। इसी सिलसिले में तैयारी बैठक थी, हम पूरे वार्डों में अपने कैंडिडेट उतारेंगे और पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन आप सबको पता है, गठबंधन नेशनल स्तर पे था और लोकसभा चुनाव के लिए था। छत्तीसगढ़ में और किसी भी स्टेट में, स्टेट के चुनाव में, लोकल चुनाव में पार्टी का कोई गठबंधन नहीं है। पार्टी, आम आदमी पार्टी अपनी ताकत से, अपने संगठन के दम पे पूरा चुनाव लड़ेगी। देखिए, आम आदमी पार्टी आज भी हम नारा लगाते हैं ना सड़क पे, तो केजरीवाल के नाम से जब नारा लगता है तो एक ही नारा लगता है, भ्रष्टाचार का काल अरविंद केजरीवाल। ये आम आदमी पार्टी ही है जिन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करके
नई राजनीति की। आज मोदी जी को अगर गुजरात में स्कूल दिखाना पड़ता है ना, तो वो डब्बे से बना हुआ स्कूल दिखाते हैं, उनके लिए स्कूल नहीं है दिखाने के लिए। आज अमेरिका से अगर अमेरिका की राष्ट्रपति की पत्नी अगर आती है दिल्ली में, भारत में, तो दिल्ली के सरकारी स्कूल को दिखाया जाता है। तो आप सोचिए आम आदमी पार्टी का स्तर क्या है। आम आदमी पार्टी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, आप बताइए जो लोकल मुद्दे हैं, बिजली का मुद्दा, आज नगर निगम में हर जगह प्रीपेड मीटर लग रहा है। अब बताइए जगह जगह इसकी शिकायतें आ रही है जहाँ पे प्रीपेड मीटर लग रहा है। हो सकता है छत्तीसगढ़ में कल के समय पूरे प्रीपेड मीटर लग जाए तो जनता को तो इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी की दो राज्य में सरकार है, दोनों राज्य में बिजली मुफ्त देते हैं। कोई राज्य में सरकार बता दे भाजपा की या कांग्रेस की जहाँ वो बिजली मुफ्त देती होगी, और फायदे में दे रहे हैं ना हम। ऐसा नहीं कि सरकार को घाटे मिला के बिजली मुफ्त दे रहे हैं, हम फायदे में करके बिजली मुफ्त दे रहे हैं। सरकारी स्कूल अच्छा किया, अस्पताल अच्छा किया, और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे दिल्ली में हमने बस सुविधाएं फ्री की। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे काम करने की आवश्यकता है, और आम आदमी पार्टी आएगी तो निश्चित ही लोकल जो स्थानीय मुद्दे हों उसकी समस्याओं का समाधान होगा। इस बार दुर्ग नगर निगम में आम आदमी पार्टी पूरे 60 वार्ड में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और महापौर का प्रत्याशी भी खड़ा करेगी। पहले भी हम लोग चुनाव लड़ चुके हैं 2018-2019 के चुनाव में, लेकिन उस समय हमारे पास ना ताकत थी ना हमें कोई अनुभव था, लेकिन अब 5 सालों में हमने काफ़ी अनुभव प्राप्त कर लिया है। और हम लोग लगातार दुर्ग में, नगर निगम में जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, अन्य मुद्दे उठाते जा रहे हैं, और दुर्ग में आम आदमी पार्टी प्रमुख विपक्ष की भूमिका निभा रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ना एक दूसरे को कुछ निकालते कमियाँ, बल्कि एक दूसरे से पर्दे के पीछे मिले हुए हैं दोनों। ये हम लोग लगातार इन दोनों के कमियां निकाल रहे हैं और हम लोग लगातार मीडिया में भी छाए हुए हैं। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।